नमस्कार किसान मित्रों, या आप पौधे देख रहे हो मैरीगोल्ड के। ये 28 दिन के पौधे हैं, ये टोटल 6000 पौधे हैं। हम एक एकड़ प्लांटेशन नया कर रहे हैं, इसलिए हम ये लाए हैं। ये पौधा देखो आप, कितना बढ़िया पौधा है। और इसकी जड़ें देखो आप कितनी वाइट है। ये 28 दिन का पौधा है, लगाने के लिए खेत में परफेक्ट ये पौधा है। और हम खेत की तरफ चलते हैं कि खेत में हम कैसे लगाते हैं पौधे। तो ये देखो कि पौधे हमारे खेत में प्लांटेशन शुरू हो गया है, लगाने का काम शुरू हो गया है। और हमने यहाँ पे पौधे से पौधे की दूरी यहाँ पे हमने रखी है 1.5 फीट। ये देखो, ये बारिश में हम लगा रहे, बहुत ही बारिश थी, इसके बाद हम इसका प्लांटेशन कर रहे हैं। और आप एक ध्यान हमेशा रखो कि जो भी पौधे आप लगाओ मैरीगोल्ड के, उसके ऊपर कोई भी फंगीसाइड या कोई भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे मत करें। लोग करते हैं मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप मत करें, सीधा पौधा लगा दे पानी में भिगो के, और 10 दिन के बाद ही उसमें कुछ खाद डालें या और भी कुछ। आप अगर 10 दिन के पहले आप कुछ देना चाहते हो, ह्यूमिक एसिड दो, आप ड्रेंचिंग करो ह्यूमिक एसिड का या माइकोराजा का, उसमें ड्रेंचिंग करो तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। मगर इंसेक्टिसाइड या कुछ भी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। और लगाने के समय आप इतना ध्यान रखो कि कोको फीड जितना है उतनी मिट्टी चढ़ाओ, उसके ऊपर थोड़ी ही मिट्टी चढ़ाओ, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी मत चढ़ाओ। और ये देखो, हमने पौधे की पौधे से दूरी 1.5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी हमने रखी है 4 फीट, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने नाली की हुई है मगर बारिश की वजह से हमने पानी नहीं दिया, बाद में हम पानी के देने के लिए यहाँ पे नाली की हुई है, देख रहे हैं आप। और हाँ किसान मित्रों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो और वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी और आप हमें सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।